वीवो Z1 Pro। हाँ गाइज, आप लोगों को पता है ये जो फोन है ये बहुत ही बढ़िया फोन है जो वीवो की तरफ से लॉन्च हुआ है। और अब यहाँ पे जब ये फोन लॉन्च हुआ, प्राइस अच्छी रख दी वीवो ने, स्पेसिफिकेशन एकदम टिप टॉप रख दी, एकदम बढ़िया फोन था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बहुत मन में था कि यार क्या ये फोन हमें रेगुलर अपडेट देगा, जैसे सिस्टम अपडेट क्या रेगुलर देगा वीवो। तो हाँ गाइज, यहाँ पे सही में ये बात भी सच हो गई है कि वीवो अपना जो पहला रूल आउट हो चुका है वीवो Z1 Pro का सिस्टम अपडेट, और इस रूम में मैं इसी के बारे में बात करूंगा। और आप लोगों को गाइस, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था 400 रुपये में हम इंश्योरेंस कैसे कर लें फोन का, मतलब फोन गिरता है टूटता है कुछ भी होता है तो वो वीवो जाने फ्लिपकार्ट वाले जाने। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बारे में बात करूंगा। तो लाइक कर दीजिए जल्दी वीडियो को गाइस जब तक आपने नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, गाइस यहाँ पे जो वीवो का Z1 Pro का सबसे पहला जो सिस्टम अपडेट रूल आउट होना चालू हो गया है वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 345 MB का जो है ये अपडेट देखने मिला है। और इस अपडेट में जो है तीन चार चीजें इंप्रूवमेंट हुई है, बहुत सारी चीजें इंप्रूवमेंट हुई है। सबसे पहली चीज जो है वो उसकी बैटरी जो है, जैसे आपको पता है 5000 mAh की बैटरी है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी इंप्रूव मिलेगी। मैंने मेरे पास फोन तो आया नहीं है, बट हाँ मैंने अभी जो वीडियोस देखे हैं उसमें बता रहा हूँ कि उसमें 5000 mAh की बैटरी है जो आपको ज्यादा अच्छा बैकअप देगी। जो पहले फोन आपके हाथ में आता उससे ज्यादा जब अपडेट कर लेंगे उससे ज्यादा अच्छी बैटरी बैकअप आपको अब देखने मिलेगा। तो आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया बात लगी यहाँ पे आपको बैटरी में इंप्रूवमेंट, 5000 mAh की वैसी बैटरी है उसमें भी इंप्रूवमेंट है। तो अब देख सकते हैं आप तो वीवो का क्या काम है, तो बैटरी में इंप्रूवमेंट है। देन जो सेकंड पॉइंट है वो है उसका कैमरा। गाइस आप लोगों को पता है इसमें सेल्फी कैमरा जो है वो 32 MP का देखने मिल जाता है, जो उसमें इफेक्ट्स आते हैं एंड स्टेबलाइज ये सब जो वहाँ पे उन्होंने ये भी सही किया है 32 MP का। तो ये भी बहुत ही बढ़िया बात मुझे लगी है। एंड उसको सिस्टम अपडेट्स भी उन्होंने किए हुए हैं उस मोबाइल में। तो आई थिंक ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि देखो आप मोबाइल तो आपने लॉन्च कर दिया, सही प्राइस में लॉन्च कर दिया, फ़ोन भी बिक रहे हैं, स्पेसिफिकेशन इतनी अच्छी है और सब कुछ सही है फ़ोन का, बट अब आप यहाँ पे रेगुलर अपडेट्स भी दे रहे हो। तो ये है वीवो का एक बहुत ही बढ़िया कमाल, और मुझे अब लग रहा है कि वीवो सच्ची में सुधर गया है। और वीवो का ये जो Z1 सीरीज या इजी सीरीज है ये डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया है, आगे बहुत मार्केट को अपने शाओमी या रियलमी से ले सकती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं आपकी ओपिनियन इस बारे में क्या लगता है। तो डेफिनेटली इसमें आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। तो पहला अपडेट मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट के बारे में बात करता हूँ, तो ऐसे अपडेट्स आते रहेंगे अब जब भी आता रहेगा। तो चलिए सबसे बात कर लेता हूँ कि 400 रुपये में हम कैसे जो पूरा मोबाइल का जो है इंश्योरेंस करा लें, मतलब फ़ोन, क्योंकि आपको पता है इसमें गोरिल्ला ग्लास नहीं मिलता है, हमें इसमें वो जो कॉर्ड 3D वाला ग्लास मिलता है जो भी एक बहुत अच्छा है, वो भी गोरिल्ला ग्लास जैसा ही होता है। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इस फ़ोन में आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ जाना है फ्लिपकार्ट पर। अभी इसकी नेक्स्ट सेल पता नहीं कब आ रही है, अभी तो मैंने देखा था और कल इसकी जो सेल थी ना 8 बजे मैं गया था, मैंने देखा वहाँ पर, उसमें यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिख जा रहा हूँ कि आप लोग वो देख सकते हैं। 399 रुपीज वाला जो प्लान है वो आप यहां पे ले सकते हैं, कंप्लीट मोबाइल इंश्योरेंस हो जाएगा आपका सिर्फ 399 रुपये में। भाई 399 और मुझे 400 रुपये समझो आप लोग, तो बढ़िया बात है यार, मुझे लगता है एकदम लाजवाब बात है। क्योंकि यहाँ पे आपको मैं बता दूँ इन 339 के कुछ मतलब जो आप लोगों को कुछ फीचर्स मिल जाएंगे तीन बस इतने 400 रुपये देने के 399। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सबसे पहला आपका फ़ोन गिरता है पानी में गिरता है तो आपसे खुद गिर जाता है गलती से, चोरी हो जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है फ्लिपकार्ट वालों के यहाँ पे, आपको कुछ आई थिंक 70 या 80% ये कुछ पैसा देते हैं, तो उतना पैसा आपको मिल जाएगा। क्या भाई जब तब महंगा फ़ोन 15,000 का ले रहे हैं तो उतना हमें उतना भी मिल जाए, 70-80 बहुत है यार। नेक्स्ट, जैसे आपके फ़ोन में कोई डिफेक्ट आ जाता है, फ़ोन आपको कुछ अपने फीचर गलत हो गया, तो अब आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, खुद के पेट्रोल से जाओ, खुद की गाड़ी से जाओ, खुद टेंशन लो, अपना काम जो है वो भी नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे बैठो, तो ये सब आपको ये भी नहीं करना है, आपको जाना है फ्लिपकार्ट में दबाना है, फ्लिपकार्ट वाले खुद पिकअप करेंगे, खुद सर्विस सेंटर लेके जाएंगे, खुद आपको ड्रॉप कर देंगे, ये बात ही चाहिए। और क्या चाहिए यार, आई थिंक 399 रुपीज़ में, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा बट यार मुझे लगा कि ये सही बात है और फीचर सही दिया है यहाँ पे वीवो वालों ने, बहुत ही सही काम किया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। और हाँ, एक और ऑफर है इस फ़ोन का कि यहाँ पे गाइज आप लोगों को पता है ये अभी 10% इंस्टेंट डिस्काउंट चल रहा था SBI का, तो अब तो ऑफर ख़त्म हो गया है बट आएगा वो अभी, अब फिर से आएगा, तो 13,491 रुपीज़ में फ़ोन सिर्फ आपको मिल जाएगा। तो आप डेफिनेटली जाके इस फ़ोन को जब भी ले सकते हैं, अभी भी वैसे आपको अब भी लेना है, मतलब अभी तो भी कोई सेल नहीं है उसकी, बट अभी भी एक सेल चल रही है, उसमें 5% का आपको वहाँ पे एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड में डिस्काउंट मिल रहा है। तो आई थिंक 5% 13,990 में वही 14,200 समथिंग हो जाएगा, तो आप जब भी जाके ले सकते हैं, जितना भी पैसा बच रहा है तो आई थिंक पैसा बचा लेना चाहिए। एंड तो यही मेरी बात रहेगी, और बहुत सारे ऑफर्स हैं यार, आप जाके देख खुद सकते हैं। और आते तो EMI में भी फ़ोन मिल रहा है 2,499 रुपीज़, आपको 6 महीने देना है, EMI अभी भी चल रही है बजाज फाइनेंस के, और बजाज फाइनेंस का कार्ड है तो बहुत ही बढ़िया है। और मैं बता दूँ जिन जिनको नहीं पता, बजाज फाइनेंस कार्ड बनवा लो,
है वो बहुत ही यूज़फुल है यार। और यही था यार पूरा ऑफर मैंने बता दिया बहुत ही जल्दी में। बजाज फाइनेंस कार्ड आपको बना लीजिए, बहुत ही यूज़फुल है। वहाँ पर सिर्फ आपको डाउन पेमेंट भी नहीं देनी है, इंटरेस्ट भी नहीं देना है, सिर्फ आपको EMI देनी है, तो वो आपके बैंक से कट जाएगी। जहाँ पर आप बजाज फाइनेंस का जब कार्ड लेंगे तो वो लिंक करा देंगे, तो ये ऐसे आपका कट जाएगा पैसा, तो वो एकदम सही रहेगा। एंड गाइस ये है पूरा मतलब वीवो Z1 प्रो का सेल एंड ऑल सब कुछ। और जितने लोगों ने मुझसे पूछा था कि 399 का हम कैसे करें मोबाइल का फुल इंश्योरेंस, तो मैं आपको बता दूं अभी भी आप जाएंगे तो, अभी तो फ़ोन अवेलेबल नहीं है, जब भी सेल पे आएगा तो अभी भी आप जाएंगे नीचे आपको दिख जाएगा वहाँ पे 399 मोबाइल फुल ये सब आपको दिख जाएगा, एक्सेट्रा ये सब आपको दिख जाएगा वहाँ पे, आप देख सकते हैं। और आप जब कल मैं सेल पे हुई थी जब भी मैंने वहाँ पे देखा था वहाँ पे, तो आपको आप उसके साथ ले रहे थे मतलब जो फ़ोन बाय भी करने जा रहे थे तो वो भी आ रहा था कि आप ऐड टू कार्ड चाहें तो ले सकते हैं, तो ये एकदम बहुत ही बढ़िया है, आप चाहें तो ये ले सकते हैं। तो बस गाइज आज के बड़ो बस यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आया यार तो जरूर जरूर को लाइक करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब तक आपने नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए टेक से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। और आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बता देना। वीवो Z1 प्रो के बारे में बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, नथिंग कुछ बोलना ही नहीं है, इतने सारे बताई दिए फीचर आपको सब बता दिया। तो बस मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।